Hi guys, I'm ने इसके लिए रिक्वेस्ट किया था इस so मेडिटेशन से बहुत ज्यादा फायदे होते हैं उससे आप अपना माइंड काम कर सकते हो डिसीजन मेकिंग आपकी बेटर हो जाती है आप फोकस कर सकते हैं कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं तेरा Like आप कभी भी कर सकते हो मेडिटेशन आप मॉर्निंग में कर सकते हो इवनिंग में कर सकते हो या रात में सोते टाइम भी कर सकते हो तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल आप फ्लोर पर इस तरह से बैठ जाओ वीडियो बैक स्ट्रेट now i'll tell you three postures for your hands. the first one is this. second is this. and the third one is this. out of the three, jo mera favorite the first, one because it uh, ye significance jata hai, that we are actually opening our hands and we are asking the universe to deliver us uh, whatever we are asking in our calm mind. so this is how i sit. now you comfortably bed keep your eyes open. एंड ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट लाइक हाउ आई एम डूइंग आई एम इनहेलिंग फ्राम माई नोज एंड एक्सलिंग फ्रॉम माई माउथ ऐसा मैं पाँच बार करती हूँ सो आप भी पाँच बार करके फिर अपनी आइज क्लोज करना सो मैं आपको बताती जाऊँगी कि मैं एक्चुअली में अभी अंदर से क्या कर रही हूँ सो दैट आप उसको फॉलो कर सको अफकोर्स ये गाइडेड मेडिटेशन नहीं है तो मैं आपको तुरंत से बताऊँगी कि कैसे कैसे आपको मूव अबाउट करना है सो एक्चुअली में हम सेंसेस सेंसेस मेडिटेशन कर रहे हैं जिसमें सबसे पहले हम अपने ईयर पे फोकस करते हैं सो so ईयर पे फोकस करते ही आपको सारी आवाज़ें आने लग जाएंगी मुझे जैसे चॉपिंग बर्ड्स की आवाज़ आती है व्हीकल्स की आवाज़ आती है क्योंकि मैं मॉर्निंग में करती हूँ मेडिटेशन सो ये डिस्ट्रैक्शंस नहीं हैं इनको सुनो और ऑब्जर्व करो फिर उसके बाद धीरे धीरे अपनी बॉडी को स्कैन करना चालू करो एज अ डिस्टेंट ऑब्ज़र्वर सबसे पहले हेड से चालू करो फोर हेड नोज ईयर्स लिप्स शोल्डर्स आर्म्स हैंड्स ऑफकोर्स धीरे धीरे इन सब को स्कैन करते रहो सारा डिस्कम्फर्ट हटाते रहो फिर लोअर बॉडी पर आओ थाइस को देखो नीज को देखो ऑब्जर्व करो आंखें बंद करके अपना ध्यान उधर लेकर जाओ अगर आपका माइंड वॉन्डर कर रहा है थॉट्स आ रहे हैं कोई बात नहीं थॉट्स को आने दो थॉट्स तो आते ही हैं उनसे नाराज मत हो जाओ कि क्यों आ गए तुम थॉट्स अब उसके बाद जब आपने अपनी पूरी बॉडी को स्कैन कर लिया है धीरे धीरे नाउ स्टार्ट फीलिंग योर ब्रेथ नॉर्मल ब्रीदिंग ही करनी है लेकिन फोकस करो कि कैसे आपके नॉस्ट्रल से अंदर जा रही है ब्रेथ एंड आप एक्सहेल कर रहे हो ये एक ब्लैंक स्टेट में हम पहुंच जाते हैं जहां पर हम सिर्फ अपनी ब्रेथ को ही फील कर रहे होते हैं एट दिस जंक्चर हमको यूनिवर्स को ग्रेटफुल फील करना चाहिए फॉर ऑल दी थिंग्स दैट वी हैव क्योंकि अभी हमारा माइंड काम है एंड वी शुड आस्क फॉर द थिंग्स दैट वी वॉन्ट आपको प्रेजेंट टेंस में फील करना है दैट वो चीज़ आपके पास ऑलरेडी है एंड आप थैंक कर रहे हो यूनिवर्स को देन आप अपनी आईज ओपन कर सकते हो एंड आर डन सो दिस इज़ माई शेड्यूल इन द मॉर्निंग सो क्लास लेने से पहले मैं ये कर रही होती हूँ एंड उसके बाद यस yes, मैं थैंक फिर से करती हूँ बिकॉज ग्रैटिट्यूड तो है ही मेरा लाइफ स्टेट सो बस दैट्स माई स्केड्यूल फॉर द मॉर्निंग